फर्नीचर में भारत की पहली पसंद नीलकमल फर्नीचर आइडियाज अब आपके शहर रानीगंज में। 9 मार्च को होने जा रहा है नीलकमल फर्नीचर आइडियाज के शोरूम का भव्य उद्घाटन। बाजुरिया फैमिली आपको आमंत्रित करते हैं उद्घाटन समारोह में। 9 मार्च से 17 मार्च तक नीलकमल फर्नीचर आइडियाज से फर्नीचर की खरीद पर स्पेशल डिस्काउंट। नीलकमल फर्नीचर आइडियाज NSP रोड अंजना सिनेमा हॉल के निकट रानीगंज। कॉन्टेक्ट नंबर 8637378191। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी समिति के चुनाव में RBC दल के सभी उम्मीदवार हुए विजयी। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के 2022 से 2024 तक के 2 साल का कार्यकाल हुआ विरोधी शून्य। इस चुनाव में विरोधी दल से खड़े हुए 6 उम्मीदवारों को मिली करारी शिकस्त। चेंबर के इस चुनाव में विरोधी दल ने पूरा उम्मीदवार न देकर पहले ही कर ली थी अपनी हार स्वीकार। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की वर्ष 2022-24 की नई कार्यकारिणी समिति के चुनाव में इस बार फिर से रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी ने बाजी मारी है और इस बार चेंबर विरोधी शून्य हो गया है। सोमवार को चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी के सभी 23 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है और विपक्षी ग्रुप का एक तरह से सफाया हो गया है, जबकि चुनाव में प्रतिद्वंदिता कर रहे दूसरे ग्रुप के एक भी उम्मीदवार इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके हैं। विपक्षी ग्रुप के सभी 6 उम्मीदवार पराजित हुए हैं। रविवार को मतदान हुआ था और लगभग 70% वोट पड़े थे। चेंबर के 1074 में से 776 मतदाताओं ने वोट डाला था। सोमवार को सुबह 11 बजे से मतगणना शुरू हुई। मतगणना को लेकर दिन भर चेंबर में गहमा गहमी का माहौल रहा और चुनाव परिणाम जानने के लिए चेंबर के सदस्यों में काफी उत्सुकता देखी गई। शाम को चुनाव नतीजे घोषित हुए। मतगणना के दौरान 46 वोट रद्द हो गए और 730 वोटों की गिनती की गई। चुनाव नतीजे घोषित होने के साथ ही रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी के विजयी उम्मीदवारों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस तरह से देखा जाए तो लगातार दूसरी बार रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति के चुनाव में जीत कर आई है। इस चुनाव में रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी के उम्मीदवार रोहित खैतान सर्वाधिक 580 वोटों के साथ प्रथम स्थान पर रहे, जबकि मनोज केसरी 556 वोटों के साथ दूसरे और आदित्य विक्रम केजरीवाल 549 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा शरद कनोडिया को 544, अजीत कुमार कयाल को 536, दीपक जलान को 532, राजेश कुमार गनेरीवाल को 522, गौरव केड़िया को 511, रमेश कुमार लोयलका को 510, अंकित सराफ को 503, दिनेश कुमार दारुका को 503 और रूबी गढ़वाला को 503 वोट मिले हैं, जबकि अनिल लोहारू वाला को 494, हर्षा बाजोरिया को 494, मुकेश कुमार दारुका को 489, कैलाश कुमार मोदी को 472, विष्णु खैतान को 466, अरुमय कुंडू को 463, बीमल लोधा को 454, सुधीर अग्रवाल को 453, शरद जगनानी को 442, ऋषि गोयनका को 438 और रामप्रसाद गुप्ता को 414 वोट मिले हैं। इस चुनाव में 2 महिलाएं चुनाव जीतने में कामयाब हुई हैं। इनमें रूबी गढ़वाला और हर्षा बाजोरिया शामिल हैं। हर्षा पहली बार चुनाव जीती हैं। काम आया जो पूरे 1 साल टीम RBC ने सम्मिलित रूप से काम किया, प्रेसिडेंट प्रदीप बाजोरिया जी और सेक्रेटरी अरुण भरतिया के नेतृत्व में जो RBC टीम ने गत वर्ष काम किया वो काम आया। प्रदीप के लिए हम लोगों को फिर उसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ा। सम्मिलित रूप से टीम ने काम किया और नतीजा आपके सामने पूरे देखिए चेंबर के प्रति युवा सोच और अनुभवी नेतृत्व, अनुभवी हम लोग मार्गदर्शक, ये जो जोड़ है इसके साथ चेंबर को व्यवसाय को नई सोच के साथ आगे ले जाते हुए, नए विचारों के साथ जोड़ते हुए व्यवसाय को और व्यवसायी को आगे ले जाने की हम लोगों की इच्छा है और उसी में हम लोग काम करने का प्रयास करते रहे हैं, आगे करते रहे हैं। जो आज का रिजल्ट आया है ये इस बात का नतीजा है कि वोटर्स गुटबाजी बिल्कुल भी नहीं चाहते चेंबर में। वो यह चाहते हैं कि जो भी काम करें आपस में मिलजुल कर काम करें। गुटबाजी को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है, एक बहुत सकारात्मक उन्होंने वोट दिया है और यह क्लियर मैसेज है कि गुटबाजी नहीं, जो भी काम करें गुटबाजी से ऊपर हटकर व्यवसायी हित में और समाज हित में काम करें तभी वोट मिलेंगे और उसी तरह का नतीजा इस बार सामने आया। वही विपक्षी ग्रुप के उम्मीदवारों में आयुष सराफ को
375, संजय कुमार डालमिया को 375, उज्जवल मंडल को 319, गौरी शंकर बाजोरिया को 291, शताब्दी अधिकारी को 288 और विनोद गुप्ता को 201 वोट मिले हैं। वहीं अलग से चुनाव लड़ रहे राकेश मिश्रा को 305 वोट प्राप्त हुए हैं। पिछले बार के चुनाव में विपक्षी ग्रुप से दो उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, उनमें महेश खेड़िया और गौरी शंकर बाजोरिया शामिल थे। लेकिन इस बार महेश खेड़िया ने चुनाव नहीं लड़ा और गौरी शंकर बाजोरिया जीतने में कामयाब नहीं हुए। यहां बता देना जरूरी है कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की 31 सदस्यीय नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा। इनमें से कार्यकारिणी समिति के चुनाव में जीत कर आए 23 सदस्य शामिल होंगे, जबकि 6 सदस्यों को नई कार्यकारिणी समिति में कॉप्ट किया जाएगा। इसके अलावा निवर्तमान कमेटी के अध्यक्ष और सचिव को भी नई कार्यकारिणी समिति में जगह मिलेगी। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।